हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सुंदर सा डिजाइन लेकर आई हूँ। आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, किसी में भी आप डाल सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर डिजाइन है, आसान भी है और अच्छा भी लगता है। ये देखिए, अब मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इतने फंदे डाल रखे हैं। ये फंदे हमारे 37 का पैटर्न है। ये मैंने 37 फंदे डाल के 2 सिलाइयाँ निकाल रखी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, पहला फंदा उतार के और दूसरा उल्टा बना के, एक फंदा उल्टा करके 3 फंदे हमने सीधे बुने हैं। फिर एक फंदा उल्टा, फिर 10 फंदे सीधे। दस फंदे में हम 4 के बाद यहाँ से जाली डालेंगे और ये 2 का 1 कर देंगे। ये पूरा हमारा 10 फंदे का एक इतना पैटर्न है। ये यहाँ से ये इतना, ये हमारे 10 फंदे हैं टोटल। तो 4 फंदे के बाद हमने जाली डालनी और 2 का 1 कर देना है। ये देखिए 2, 4, 6, 8 और 10। फिर एक फंदा उल्टा और 3 सीधे, 1, 2, 3। फिर एक फंदा उल्टा, फिर वही 10 फंदे वाला पैटर्न। पहले हमने 4 फंदे सीधे बुनने हैं, 3, 4। फिर आगे धागा करके हमने इसको, फंदे को इस तरह चेंज करके फिर हमने 2 का 1 करना है इस तरह से। तो हमारे ये टोटल 6 फंदे हो गए। एक बढ़ गया तो एक घट गया है, इसलिए 6 फंदे हो गए। 7, 8, 9, 10, टोटल हमने 10 फंदे रखने हैं। ये हमारी यहाँ से जाली शुरू हो गई है पहली सिलाई से। फिर एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, ये देखिए। फिर एक फंदा उल्टा और एक फंदा ये लास्ट का हमने सीधा बुन लेना है। उल्टी सिलाई में उल्टे को उल्टा और सीधे को सीधा बनाना है। जो फंदे हमारे उल्टे हैं वो हमने उल्टे बुनने हैं और जो सीधे हैं वो सीधे बुनने हैं, इस तरह से। ये देखिए, फिर 3 फंदे उल्टे, एक फंदा इधर सीधा आ गया। फिर हमारे 10 फंदे उल्टे आ गए। एक ये जाली का है, बाकी हमारे 9 फंदे सादा। अभी हमारी
दूसरी सिलाई, दूसरी सीधी सिलाई है। इस पे देखिए क्या करना है, पहला फंदा हमने सीधा बुनना है और ये दूसरा उल्टा। इसके बाद ये जो तीन फंदे हैं इसको हमने, तीसरे फंदे को हमने इन दो फंदों के ऊपर से उतार देना है। ये देखिए, फिर एक फंदा हमने सीधा बुनना है, आगे धागा करके हमने दूसरा फंदा भी सीधा बुन लेना है इस तरह से। तो जो फंदा हमने ये उतारा था तो हमारा यहाँ पर ये फंदा बढ़ गया है। फिर एक फंदा उल्टा, फिर वही, पहले हमने चार फंदे सीधे लिए थे 10 फंदों में से, अब हमारे ये जाली पड़ गई तो हमारे 5 फंदे यहाँ पर हो गए हैं। और फिर हमने इसके बाद हमने जाली डालनी है और यहाँ पर 2 का 1 करना है। ये देखिए, पहले ये 4 थे, अब 5 हो गए, ये जाली का फंदा हो गया। फिर हमने बाकी फंदे सादा बुन लेने हैं। फिर एक फंदा उल्टा, फिर हमने ये 3 फंदे वाली बुनाई डालनी है। 3 फंदों में से हमने तीसरा फंदा हमने इस तरह से दो फंदों के ऊपर से निकाल देना है। फिर ये वाला सीधा बुनना है, आगे धागा करके फिर ये वाला सीधा बुनना है। एक उल्टा, फिर वही बुनाई वाला, 4 फंदे सीधे, 5वां फंदा ये जाली वाला भी हमने सीधा बुन लिया। इसके बाद फिर हमने जाली डालनी है और यहाँ पर इस तरह से 2 का 1 करना है। आगे धागा करके एक फंदा उल्टा, फिर ये 3 फंदे सीधे आ गए। इसको हमने फिर वैसे ही दोहराना है। तीसरे फंदे को हमने इस तरह से ऊपर से निकाल के फिर हमने एक फंदा सीधा बुन के फिर आगे धागा करके फिर इसको हमने दूसरे को सीधा बुन लेना है। लास्ट का ये एक उल्टा और एक सीधा फंदा। उल्टी सिलाई हमारी वैसे ही होगी, उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा। ये देखिए, देखिए ये जो 3 फंदे की बुनाई है वो हमने फिर हमने 3 सीधे बुन लेने हैं। इस सिलाई में हमने 3 सीधे बुन लेने हैं। अब हमने ये 10 फंदे वाला पैटर्न बुनना है। पहले हमारे 5 हो गए थे, अब हमारे 6 फंदे हो गए इधर। ये देखिए, ये रहा जाली वाला, इस तरह हमारे ये 6 फंदे हो गए। फिर हमने जाली डालनी है और इसको हमने इस तरह पलट के 2 का 1 करना है। ये देखिए, फिर एक फंदा उल्टा, फिर ये 3 फंदे सीधे, ये वाला बुनाई वाले। अब अगली सिलाई में हमारी ये वाली बुनाई पड़ेगी, 3 फंदे वाली। एक सिलाई छोड़ के हमने ये वाली बुनाई डालनी है, ये वाली 3 फंदे वाली। ये हमारी अब तीसरी जाली है। इस तरह से हमने 5 जालियां डालनी है, उसके बाद हमारी आगे का डिजाइन चलेगा।
उल्टी सिलाई हमने वैसे ही बनानी है, उल्टे के उल्टे और सीधे पे सीधे। इस तरह हमने पांच जालियां डाल के, मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। ये देखिए हमारी पांच जाली बनके तैयार हो गई हैं, 1 2 3 4 5। अब इधर हमारे देखिए 9 फंदे हो गए, ये हमारा एक लास्ट फंदा ये यहाँ पर बचा हुआ है। उसके बाद हमारा उल्टा फिर 3 सीधे बुनाई शुरू हो जाती है। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसके आगे क्या करना है। पहला फंदा सीधा बुन के दूसरा उल्टा और फिर ये हमारी 3 फंदे वाली बुनाई इस तरह से। तीसरे फंदे को उतार के फिर हमने इसको सीधा बुन के फिर हमने बीच में जाली डालनी है। ये होगा हमारे 3 फंदे, फिर एक उल्टा, फिर धागा पीछे करके हमने पहली जाली में से इस तरह से धागा लेना है। ये देखिए थोड़ा लंबा सा लेना है, फिर हमने हर जाली में से इस तरह से फंदा लेना है, 2 3 4 और 1 5। अब इन पांचों जालियों में से हमने इस तरह से 5 का 1 करना है। ये देखिए एक बार फिर हमने इसको बुनना है। ये देखिए फिर हमने इसको इस सिलाई पे चढ़ा के और यहाँ पर 2 का 1 कर देना है, क्योंकि ये फंदा हमारा बढ़ रहा था तो हमने इसमें एडजस्ट करना है। इस तरह से फिर हमारे 10 फंदे हो गए, 2 4 6 8 9 और 1 10। अब हमने फिर 4 फंदे बुनने हैं इसको मिला के, 1 2 3 4। फिर हमने जैसे यहाँ पर जाली डाली थी 4 फंदे के बाद वैसे ही हमने जाली डालनी है, यहाँ से ही हमने शुरू कर देनी है दूसरी बुनाई के लिए। यहाँ पर हमने 2 का 1 करना है और ये हमारी जाली पड़ गई। ये देखिए बाकी के हमने फंदे 4 फंदे ऐसे ही सादा बुन लेने हैं इस तरह से। ये देखिए ये वाला हमारा पैटर्न तैयार हो गया है इधर वाला। अब मैं आगे दिखाती हूँ, 1 उल्टा फिर ये हमारे 3 फंदे वाली बुनाई है, इसको हमने इस तरह से करना है। इस तरह से फिर 1 फंदा सीधा बुन के फिर जाली डाल के फिर हमने इसको सीधा बना देना है। 3 फंदे हो गए हमारे, फिर 1 फंदा उल्टा और फिर धागा पीछे करके फिर हमने इसी को ही दोहराना है। यहाँ से फंदा लेकर 2 3 4 5 फिर हमने इसको 5 फंदों को इस तरह से सिलाई पर चढ़ा लेना है।
ये देखिए, ये देखिए पांच का हमने एक कर लिया है। एक बार हम फिर इसको निकालते हैं धागे से। अब हमारा ये फालतू हो गया ना फंदा, 10 से 2, 4, 6, 8, 10, इसलिए हमने इसको इस सिलाई पर लेके हमने और 2 का 1 कर देना है यहाँ पे। ये देखिए बाकी हमने फिर 4 फंदे बुनने हैं, 1, 2, 3, 4, फिर हमारी यहाँ जाली पड़ती है और यहाँ 2 का 1 करते हैं। अब हमारे 10 के 10 फंदे हैं। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से हमारा ऊपर दूसरा डिजाइन शुरू हो जाता है। आगे वही 3 फंदे की बुनाई इस तरह से। उल्टी सिलाई हमने वैसे ही बनानी है जैसे उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा। ये देखिए एक बार हमारी पूरी बुनाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं दूध दोबारा डाल के दिखाती हूँ। फिर हमने इसी तरह 5 जालियाँ डालनी हैं। देखिए एक एक जाली तो हमारी यहाँ पर पड़ चुकी है, इसके बाद हमने 4 जालियाँ और डालनी हैं। वैसे ही बनाना है जैसे अभी बना के दिखाया। मैं एक बार दोबारा फिर रिपीट कर देती हूँ। वही फंदे हैं हमारे, 4 फंदे के बाद 1 जाली, अब के हमारे 5 फंदे हो गए हैं। 5 के बाद जाली पड़ेगी। इसी तरह एक एक फंदा इधर घटता जाएगा और इधर बढ़ता जाएगा। यहाँ पर हमने 2 का 1 करना है और यहाँ पर ये जाली डालनी है। अब ये जो 3 फंदे थे ये हमने अभी इस सिलाई में सीधे सीधे लेने हैं। फिर ये दूसरी जाली आ गई, ये देखिए इसी तरह हमने 5 जालियां दोबारा से डाल लिया है। ये देखिए हमारी 5 जालियाँ बनके तैयार हैं। अब मैं एक बार आपको फिर दिखाती हूँ कैसे आगे करना है। ये देखिए हमने पहले फर्स्ट जाली से लेनी है धागा, ये देखिए इस तरह से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड, इस तरह से हमने लूज लूज लेना है इसको। ये हमने इस पे सिलाई पर लेके 5 फंदे, फिर हमने इसको इस तरह से 5 का 1 बनाना है। ये देखिए एक बार हमने फिर इसको बुन लेना है। ये देखिए ये हमारा एक्स्ट्रा फंदा बन गया है।
तो हम इसको यहाँ से दो का एक कर देंगे। ये देखिए, बाकी फिर हमने इसी तरह चार फंदे बुन लेने हैं। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर दो का एक करना है और जाली डालनी है, ये देखिए, जिससे कि हम आगे बुनाई ऊपर वाली डाल सकें। इसी तरह हम पूरी सिलाई कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, एक बार और बताती हूँ, पहली जाली में से दूसरी जाली में से फिर ये तीसरा चौथा और एक पांचवा, इस तरह से इस तरह हमने पांच का एक बना लेना है। ये देखिए, एक बार फिर हमने इसको बुन लेना है। ये अब हमने इसमें से दो का एक कर देना है। बाकी सारे फंदे सीधे बनाने हैं। यहाँ पर जाली डाल के सीधा सीधा बुन लेना है। देखिए, हमारा पैटर्न तैयार हो गया। बहुत ही सुंदर लगेगा। आप इसे जेंट्स स्वेटर में भी डाल सकते हैं, बच्चों के स्वेटर में भी डाल सकते हैं। बहुत ही आसान है। अब हमारी बुनाई अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।